हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और IFS के इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज इस सेगमेंट में आपके साथ एक और विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में सक्सेस अचीव की है बढ़िया रैंक के साथ, और एक नहीं बल्कि दो दो एग्जाम्स के अंदर सक्सेस अचीव की है। और वो आप सभी से इंटरेक्ट करने वाले हैं, अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वेलकम टू भाविका मेहता, वेलकम टू IFS इंटरव्यू सेगमेंट। और आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया फील कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आपने एक बार में एक नहीं बल्कि दो दो एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा फील हो रहा है एक ही बार में दो एग्जाम्स क्वालिफाई करते हुए, CSIR नेट और ICMR JRF दोनों। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जिससे बच्चों को पता चले कि एग्जैक्टली आप कहां से हैं और आपका जो भी जर्नी रहा वो कैसा रहा। अच्छा, मेरा नाम भाविका मेहता है। मैंने मास्टर्स अपना वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर से किया था, और मैं सूरत से, गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैंने इनिशियली गेट बायोटेक और लाइफ साइंसेज भी क्वालिफाई किया था, DBT में भी सेकेंड कैटेगरी क्वालिफाई कर लिया, नाउ फाइनली आई कैन प्राउडली से ICMR JRF और CSIR नेट JRF भी क्वालिफाई कर लिया। ओके, सो अब आप सभी के साथ भाविका जी वो सारी बातें, वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस, वो सारी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज शेयर करेंगी जो कि डेफिनेटली उन्होंने प्रिपरेशन के दौरान यूज किया, और हो सकता है कि वो सारे तरीके, वो सारी स्ट्रेटजीज, वो सारे ट्रिक्स, वो सारे अप्रोचेस जो उन्होंने लिए हैं वो आपको भी किसी न किसी तरीके से फायदा करेंगे, किसी न किसी तरह से फायदा करेंगे। तो अब हम एक एक करके सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, वैसे इंट्रोडक्शन वाला मैं आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन अब अगला जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि क्या आपको लगा था कि आप एक अटेम्प्ट में या एक साथ कई सारे एग्जाम एक के बाद एक क्वालिफाई कर जाएंगे? मतलब ऐसा होता नहीं है मोस्टली, हम सोचते हैं कि चलो CSIR को टारगेट कर रहे हैं, CSIR क्वालिफाई करेंगे और फिर बाकी एग्जाम्स को देखेंगे, बट क्या ऐसा था कि हम एक साथ दो एग्जाम, तीन एग्जाम और कितने भी हो सके उतने एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा नहीं था, मैं तो सिर्फ एक ही एग्जाम टारगेट कर रही थी जैसे सब बच्चे किया करते हैं। पर वही था कि जब आपका बेस स्ट्रांग हो तो चाहे कोई भी एग्जाम हो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बस थोड़ा एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, थोड़ा गाइडेंस, और आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और वहां से बहुत बढ़िया और ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे कि जब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ और सामने से जो आंसर आता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से कुछ काम की बातें निकले और बच्चों तक पहुंचे, तो यहाँ से भी काम की बात यह है कि आपका अगर कोई एक एम है, डेफिनेटली हम CSIR एग्जाम को एक टफेस्ट एग्जाम मानते हैं और इसकी तैयारी में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा भी नहीं है कि सर अभी आने वाले समय में सेट एग्जाम आ रहा है, आने वाले समय में गेट एग्जाम आ रहा है, सर आने वाले समय में DBT आएगा, ICMR आएगा, तो सबके लिए अलग अलग पढ़े क्या या अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है क्या? तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्योंकि आप एक टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो द प्रिपरेशन ऑफ दैट एग्जामिनेशन विल मेक यू प्रिपेयर फॉर ऑल अदर जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं ना, उन सभी के लिए आप तैयार हो जाते हो। और ऐसा ही होता है, आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन ऐसा ही होता है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एंड बाई डिफॉल्ट यू विल गेट प्रिपेयर फॉर ऑल द वेरियस अदर एग्जामिनेशंस, और यही प्रोसेस है, यही तरीका है, और भाविका जी का भी आई होप यही एक्सपीरियंस रहा होगा। यस सर, राइटली सेड। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल ऐसा है जिससे डेफिनेटली हर बच्चा अपने आप को रिलेट कर पाएगा, और ये सवाल ऐसा है कि आपने क्यों सोचा और कैसे सोचा कि आपको CSIR एग्जाम देना है या ICMR एग्जाम देना है, इसकी कोई खास वजह? सर, जैसे इनिशियली जब मास्टर्स कर रही थी then I wasn't sure कि आगे अब क्या करना है, but masters में we had a segment जहाँ dissertation करना होता है for 6-7 months का। तो जैसे हम COVID वाले students हैं, जैसे last year जो था वो काफी मुश्किल रहा हमारा masters का जो third semester था, तो lab exposure उतना हो नहीं पाया, but ultimately जब dissertation के लिए गए, when I saw the research culture कि क्या होता है, कैसे होता है, I realized कि करना तो हमने यही है, आगे जाके PhD करना है, भले फिर
सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम क्वालिफाई क्यों ना करना पड़ेंगे, करेंगे मेहनत पर करना है, यही करना है. मतलब जब एक बार एक्सपोजर ले लिया, रिसर्च का 6 महीने समझ लिया, उसके बाद बस वही करना था, ये निश्चिंत हो गया, श्योर हो गया एकदम. तो यहाँ जो वजह थी वो थी रिसर्च, कि एक बार रिसर्च का एक्सपोजर मिला, मतलब वो होता ना कि एक बार रिसर्च का स्वाद चख लिया तो हम लगता है कि रिसर्च में बड़ा मजा है और हम रिसर्च में करियर करना चाहते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, डेफिनेटली वी हैव टू क्वालिफाई टू सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन. और आई होप यही आपका जवाब है और यही सारे बच्चों को सुनाई भी दिया था. लेकिन ध्यान रखिए कि आपके लाइफ में ऐसा बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि शायद इस एग्जाम से आपको जोड़ दें. क्योंकि मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे इस एग्जाम के बारे में तो शायद मेरे टीचर से पता चला, टीचर्स ने कहा कि ऐसा एग्जाम होता है और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे तो यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, आप आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो. तो हर किसी का एक्सपीरियंस जो हो सकता है वो इस चीज को लेकर के डेफिनेटली वेरी कर सकता है. और यहाँ पर भाविका जी का एक्सपीरियंस जो है ये सीधे रिसर्च की तरफ से है और डेफिनेटली आप भविष्य में ऐसे ही रिसर्च को परस्यू भी करेंगे और आपका करियर भी आप इसी में रखेंगे. थैंक यू सर जी. और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. मैं अगले सवाल में सीधी सी एक छोटी सी, सीधी भी है छोटी सी भी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है, और वो ये है कि प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपकी जर्नी रही, जितना भी समय आपने अपने लाइफ में फुल्ली प्रिपरेशन के लिए दिया है, 6 मंथ और 1 ईयर, इस जर्नी को थोड़ा सा समराइज्ड वे में शेयर करें ताकि ये समझ में आए कि प्रिपेयर करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट डेफिनेटली वी नीड सम कंसिस्टेंसी, वी नीड सम फोकस, एंड हाउ एक्चुअली वी कैन मेंटेन इट, हाउ वी कैन एक्चुअली डू ऑल दिस प्रिपरेशन एंड ऑल. क्या होना चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किसी स्टूडेंट के लिए, मैं चाहूंगा कि एक छोटे से अपने शब्दों में शेयर करें. मैंने तो जिस तरीके से सीधा सीएसआईआर नेट का सब्सक्रिप्शन ले लिया था लाइव सेशंस का, तो स्केड्यूल ही ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे से दोपहर की 1-2 बजे तक क्लासेस चलेंगे. बहुत हेक्टिक फील होता था, बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, उसी में सब कुछ. उस टाइम पे तो लगता था कि क्या इसकी जरूरत है भी, क्या इतना पढ़ने की जरूरत है भी. बट जब फिर उसके बाद सारे लेक्चर्स अटेंड करके, जब शिद्दत से खुद नोट्स बनाए, हर वीकेंड टेस्ट दिया, हर संडे जो अपने रेगुलर टेस्ट होते हैं उसमें जब स्कोर खुद का ऐसे इम्प्रूव होते हुए देखा, तब रियलाइज हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी कंसिस्टेंट. बिकॉज इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि अगर तुम्हें आ जाती हैं चीजें तो तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता, बट इट सीम्स यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस, यू नीड कॉन्स्टेंट टेस्ट जो तुम अपियर करो, जहाँ से तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. तो उन चीजों की काफी जरूरत थी जो IFAS ने काफी ढंग से प्रोवाइड करवाया. एंड फिर कंटिन्यूइंग दैट, इट वॉज वेरी इजी कि जब एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाता है IFAS का, तब आपको रियलाइज होता है कि वो सुबह 8 से 2 बैठना कितना ज्यादा इनिशियली इम्पॉर्टेंट था. क्योंकि जब आपका कोर्स खत्म हो गया, 6 मंथ्स का जो कोर्स होता है वो IFAS के टीचर्स ब्रिलियंटली, मतलब अच्छे से 5 महीने करीब में फिनिश करवा ही देते हैं, कि 1 महीना बच्चे को मिले पढ़ने के लिए और डिस्कशंस के लिए कि डाउट्स निकल रहे हैं. तो उस हिसाब से वो जो 1 महीना होता है ना, उसमें खुद को वापस वो मेंटेन करना, क्योंकि हैबिट बन गई होती है 8 से 2 पढ़ने की, तो तुम वो कर पाते हो. बट अगर इनिशियली तुम्हारी हैबिट ना हो, काफी बच्चे होते हैं कि रिकॉर्डेड सेशंस देख लेंगे. मैंने भी कोशिश किया था कभी कभी जब ऐसे लेजी फील होता था, बट देन आई रियलाइज कि जो बाद के लिए छोड़ दिया जाता है वो बस छूट ही जाता है. फिर वो टॉपिक दोबारा पढ़ा नहीं जाता तुमसे, क्योंकि दिन का तुम 6 घंटा यहाँ पढ़ रहे हो, फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फिर तुम थोड़ा ब्रेक ले रहे हो, उसके बाद तुम रिकॉर्डेड सेशन अगर तुमने पहले देख लिया तो 2x स्पीड पे तुम सारा देख सकते हो. बट अगर तुमने पहली बार ही उसको देखना है, कि 6 घंटे की तुम दिन में 12 घंटे की क्लासेस नहीं ले सकते, तुम 6 घंटा पढ़ के तुम 3 घंटा रिविजन में, 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उस तरीके से टाइम अपना डिवाइड करके करी जा सकती है प्रिपरेशन. लाइक दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी. और बीच बीच में ब्रेक्स लेना भी काफी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए. मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच, मतलब 6 घंटे जैसे ट्यूशन कर लिया तो अब कोई मुझे बोले कि अब बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे वो ब्रेक चाहिए. तो मैं ऐसे थोड़ी ऐसे जिम ज्वाइन कर लिया था मैंने, तो मैं ऐसे 1 घंटा जिम चली जाती थी, आधा घंटा मम्मी पापा से ऐसे बात कर ली, बैठ लिए, दोस्तों से मिल लिया, वॉक पे चले गए. तो वो रोज थोड़ा खुद को सोशली भी एकदम अगर कट ऑफ कर लूँ तो इंसान यूजुअली डिप्रेशन में चला जाता है.
तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पढ़ो भी और आप अपना टाइम सही जगह पे, जैसे फिटनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसे अगर आप वॉक पे भी जा रहे हो तो एक आपको पर्सपेक्टिव चेंज मिलता है, थोड़ी फ्रेश एयर मिलती है, थोड़ा बेटर फील होता है खुद को लेके. तो यही था, मतलब 6-8 महीने का यही था, इसी तरीके से किया है जब किया है. तो इतना डिटेल में आपको कौन असिस्ट करेगा कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है. आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो लाइव सेशंस है वो भी हो जाएं. आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिर उसके नोट्स भी बन जाएं, उसके रिविजन्स भी हो जाएं. आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ इश्यूज भी ना आए, क्योंकि अगर एक हफ्ते का भी स्पेस मिलता है या ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द रिजल्ट. तो हर चीज है, मैनेज करनी होती है. और अगर आप मैनेज कर लेते हैं फॉर जस्ट 6 मंथ और 1 ईयर, तो डेफिनेटली आपका आने वाला जो पूरा टाइम है वो बच जाता है, आने वाला जो एफर्ट्स है वो काफी हद तक बच जाता है. तो ये मेरे हिसाब से एक छोटी सी समरी मैंने मेरी तरफ से आपके लिए ऐड कर दी है. आशा करते हैं कि इस जर्नी जो भी आपने देखी, भी क्या एग्जैक्टली प्लान होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इस छोटी सी बात से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. तो वो सारे बच्चे जो भी सेशन को देख रहे हैं, आशा करते हैं कि आप भी ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, आप भी इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, अभी जाकर के आपकी प्रिपरेशन में वो परफेक्शन या वो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब ऐड ऑन हो पाएंगी, नहीं तो चीजें मुश्किल हैं. सो थैंक यू आपका जो एक्सपीरियंस था इसको ऐड करने के लिए. और अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. थैंक यू. तो हाँ, मुझे एक और चीज ऐड करनी थी कि स्लीप की क्या इम्पोर्टेंस है. इनिशियली बच्चों को यूजुअली, जैसे मुझे भी लगता था कि दिन में 6 महीने की तो बात है, अगर 4 घंटा ही सो लिया तो क्या डिफरेंस आ जाएगा. बट देन डाउन द लाइन 1 महीने में आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट स्लीप साइकिल इज. कि अगर आप दिन में 6-8 घंटा नहीं सो रहे हो, अगर आपका माइंड और बॉडी वेल रेस्टेड नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ने की कोशिश कर लो वो एग्जैक्टली दिमाग में नहीं उतरेगा. और अगर उतर भी जाते हैं तो आप भूल जाओगे, लाइक वो एकदम परमानेंट मेमोरी में नहीं कन्वर्ट होगा, वो बस सुपरफिशियल रहेगा. और आप अगर उसे 2-3 दिन नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे दोबारा. इसके लिए स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इवन वाइल प्रिपेयरिंग. कि ये नहीं सोचना है कि 2 महीने की 4 महीने की बात है, नींद वींद छोड़ के सिर्फ पढ़ लें, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. तो एडिशन जो है वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने पूरा टाइम 24 घंटे में से 15 घंटे 16 घंटे और पूरी तरह से किताबों में डूबे हुए हैं. ये आपकी हेल्थ भी जरूरी है, आपका जो डेली लाइफ रूटीन है वो भी जरूरी है. यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, तभी काम बनेगा. अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना, चीजें डिसबैलेंस होंगी तो ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी, और अगर ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे डेफिनेटली रिजल्ट पर असर पड़ेगा. तो हर चीज जरूरी है. और मैं तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है और सारे बच्चों को इसके बारे में सोचना भी चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी जो कई सारे सेंटर्स पर एग्जाम हो रहा है तो देखने को ये मिल रहा है कि अभी पीसी बंद पड़ता है. अभी ऐसा भी सिचुएशन हुआ कि बच्चे को एक सिस्टम से उठा करके दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि कोई इंटरनेट इश्यूज आ गए या कुछ भी हो गया. तो कहीं ना कहीं आज के समय पर यह भी जरूरी है कि you have to have your mental balance. कुछ भी हो जाए, आपकी पीसी बंद पड़ जाए, फिर भी इतना पैनिक नहीं होना है कि आपके एग्जाम पर असर पड़ जाए. ये भी चीजें हैं. तो डेफिनेटली ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा. अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन यू हैव टू मैनेज योर ऑल द इसेंशियल डेली रूटीन, तभी जाकर के चीजें काम कर पाएंगी, तभी जाकर के एक बेहतर आउटपुट आ पाएगा. ये सब चीजें काफी जरूरी है. और अब मैं एक और सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा, और अगला सवाल मेरा ये है कि आपके इस पूरी जर्नी में, आपके इस पूरी प्रिपरेशन में, आप IFS को किस तरह से देखते हैं, क्या रोल रखते हैं IFS को लेकर के? सर, IFS ने ही मेंटोर किया है, IFS ने ही कोच किया है, उसी IFS से के ही टेस्ट से रियलाइज हुआ है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से CBT मोड में एक एग्जाम देना चाहिए, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है एग्जाम में. बिकॉज अगर आपको सब आता भी हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फिर आप एग्जाम कभी क्रैक नहीं करेंगे. ये एक काफी ब्रूटल सच है, ब्रूटल है, हार्श है, बट ये सच है. अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा. और ये सारी चीजें IFS सिखाते हैं, राइट फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स, एडुकेटर्स, जो आपको
हर तरीके से आप जितनी डेप्थ में पूछना चाहोगे, जितनी डेप्थ में जानना चाहोगे, वो उतना डेप्थ में आपको बता सकते। वो अगर आपने मान लीजिए बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, आपने 5 साल प्लस 2 ईयर्स ऑफ लाइक पीसीबी जो 11th 12th में पढ़ा, उसके बाद भी आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी जो आपको लगेगा कि इन 7 सालों में हमने पढ़ी क्यों नहीं, आज तक क्यों नहीं पता चला ये। IFS आपको फ्रॉम द कोर एकदम ऐसे रूट से पकड़ के एकदम अच्छे से इस तरीके से पढ़ाता है कि आपके सुंदर रिजल्ट्स के फॉर्म में सुंदर फ्लावर्स ब्लूम करें। तो IFS, आई वुड डेफिनेटली से IFS हैज बीन द बेस्ट मेंटोर, द बेस्ट गाइड, द बेस्ट कोच फॉर मी। हमारी कोशिश होती है सिर्फ, और अगर इस कोशिश का बच्चों को फायदा होता है तो डेफिनेटली, और कोशिश यही होती है कि हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह का स्टूडेंट होता है, तो ऐसा हो कि सभी को फायदा हो। डेफिनेटली वो बच्चे जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत शार्प हैं, वो जल्दी से कैचअप कर लेते हैं चीज़ों को, और ऐसे भी बच्चे होते हैं, और मेजोरिटी क्राउड भी ऐसा ही होता है कि वो शायद चीज़ों को नहीं जानता, बहुत कुछ नहीं पता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई जीरो से शुरू करना है और उसे जितना ऊपर लेकर के जा सकते हैं ले जाना है। अब उसके बाद वो जितना डाइजेस्ट कर सकता है उसमें से डाइजेस्ट कर ले, और अगर उससे काम बन जाता है, उससे GRF हो जाता है, तो GRF भी हो जाए। कोशिश यही रहती है, और आशा करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को इसका फायदा भी हो रहा है। डेफिनेटली आपने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, थैंक यू फॉर दैट। और आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत टचिंग हो सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये तो दिल से निकलने वाला जवाब होना चाहिए इस सवाल का, तो ऐसा हो सकता है। ये मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस सक्सेस को किससे डेडिकेट करना चाहेंगे, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, या और कोई लाइफ में ऐसा है जिसने आपको कंटिन्यूअसली आपके प्रिपरेशन के दौरान सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये सक्सेस आप अचीव कर पाए? सर, सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन खुद को देना चाहूंगी, बिकॉज हम यूजुअली खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। इतनी मेहनत करी मैंने, मतलब ऐसे देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू थिंक कि ये तो नहीं हो पाएगा, बट वहां पे भी आई डिड नॉट गिव अप, नहीं ये तो करना ही है, आज नहीं हो पाएगा, लेट्स टेक अ ब्रेक, कल से शुरू करेंगे बट करेंगे। उसके बाद मैं अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन का, ये जो अगर मुझे ऑनर करना है किसी को, तो मैं ये अपने पेरेंट्स को करना चाहूंगी, जिन्होंने, मैं बीइंग अ गर्ल इन एन इंडियन हाउस होल्ड, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, जितना आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम इन माई लाइफ। उसके बाद डेफिनेटली टीचर्स, बिकॉज बिना गुरु के शिष्य का कोई मोल नहीं होता, किसी एग्जाम को आप बिना गुरु के शायद नहीं ही क्लियर कर सकते। और उसके बाद मेरे हैं 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने, मैं जब छोड़ देती थी खुद पे विश्वास करना, उन्होंने वापस मुझे ट्रैक पे लाया है और बोला है कि तू नहीं कर सकती तो कौन करेगा, इफ़ नॉट यू देन हु। खुद को भी हमें हमेशा यही बोलना चाहिए, इफ नॉट मी देन हु विल डू इट, हु विल क्रैक इट, इफ आई एम नॉट वर्दी नो वन एल्स इज। उस तरीके का अगर कॉन्फिडेंस एक बार आ गया आपके अंदर, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और इस तरीके के दोस्त होना, इस तरीके के टीचर्स होना, इस तरीके के पेरेंट्स होना, आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, लाइक फ्रॉम माई हार्ट। तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे हिसाब से भावना ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सभी को उसमें ऐड कर दिया ताकि कोई बोल ना पाए। अगर कोई इस इंटरव्यू को देखेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि मेरा नाम नहीं लिया गया, हर चीज है इसमें। और डेफिनेटली ये होता है, क्योंकि आप जब किसी प्रिपरेशन में होते हो तो आपको सिर्फ एक ही जगह से सपोर्ट नहीं है, आपको कई जगह से सपोर्ट है, कई जगह से आपको वो फ्रीडम है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं ये तो हो जाएगा, और बस मुझे कोशिश करती रहनी है। और भाविका जी ने जैसे कहा कि डेफिनेटली खुद को लगातार गाइड करते रहें, खुद को लगातार असिस्ट करते रहें कि भाई ठीक है, आपसे अभी नहीं हो रहा है, कल कर लेते हैं, अल नहीं हो रहा है, परसों कर लेते हैं, लेकिन करना जरूर है, करना आप ही को है, करना हमें ही है, तभी जाकर के सक्सेस मिलेगी, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है सक्सेस अचीव करने का। सो वेल सेट, बहुत बढ़िया रहा। और मैं चाहूंगा कि अब अगले सवाल की तरफ बढ़े, और अगला सवाल हमारा ये है कि अब आपके इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेने के बाद फ्यूचर गोल्स क्या है, और क्या इन फ्यूचर गोल्स से कुछ ऐसा हो सकता है जो देखने वाले बच्चों को, देखने वाले व्यूअर्स को फायदा दे सके?
इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली पीएचडी इंटरव्यूज क्लियर करके क्रैक करके पीएचडी अपना शुरू करना चाहती हूँ, बट साइड बाय साइड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टीच. तो मतलब अगर छोटे बच्चे या किसी एनजीओ में या कहीं से बस एजुकेशन, क्योंकि मुझे इतना एजुकेशन मिला है और मुझे इतना ग्रेटफुल फील हो रहा है, तो एक तरीका होना चाहिए सोसाइटी को रिटर्न करने का वो चीज़. तो मैं शायद किसी एनजीओ में पढ़ाना बच्चों को थोड़ा, क्योंकि बेसिक से जैसे आईएफएस मैंने तो ज्वाइन कर लिया और मेरे तो बेस क्लियर हो गए, बट नॉट नेसेसरीली सबके पास वो अपॉर्चुनिटी हो या इतने अच्छे टीचर्स हों. तो शायद मैं उनमें से एक बनना चाहूंगी जो टीचर आपको बेस से ऐसे चीजें सिखाए, जस्ट एज अ साइड हसल. कि पीएचडी तो मेन कंटिन्यू हो रही है, बट उसके साथ में सोसाइटी ने इतना सब कुछ अच्छा दिया है, इतने अच्छी मेंटोरशिप, इतना अच्छा गाइडेंस मिला है आईएफएस से, तो कहीं तो थोड़ा सामने और दे के थोड़ा अच्छा फील करा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है. तो ये प्लान्स हैं. तो ये जो आपने जवाब दिया है इससे मुझे मेरी बात याद आ गई, क्योंकि जब मैं खुद 2016 में आईएफएस से ही प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो प्रिपरेशन के बाद मुझे पता था कि एग्जाम दिया, और एग्जाम के बाद एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मुझे पता चल गया कि भाई मेरा तो हो गया इस बार. और जब हम सर से मिले और वापस आकर के बातें होने लगी, तो फिर मैंने किसी सर को कहा कि सर बहुत कुछ सीखा है, कोशिश करूंगा कि और ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, जितना हो सके उतना फैलाऊं. और फिर सर ने मुझे यहीं बुला लिया. और फिर ये जो चांस है, अब वो मैं तो कम लोगों के बारे में शायद सोच रहा था, अब हजारों बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और उन्हें वही नॉलेज, वही ज्ञान शेयर करने का मौका मिलता है. तो मैं भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा केसी सर को और आईएफएस की पूरी टीम को, क्योंकि सच में ये होता है जब आप कुछ ऐसी चीज़ सीख जाते हो जो कि आपके लिए नई है और आपके लिए ऐसी है कि लगता है कि ऐसा अगर मैंने सीखा है और मुझे इतना आनंद आया है, तो क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन, ये जो नॉलेज है, ये जो जॉय है, खुशी है, इसको सभी के साथ शेयर किया जाए. इनडेफिनेटली आप भी ऐसा करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, डेफिनेटली करेंगे मुझे पता है. क्योंकि ऐसा होता नहीं कि जब हम कुछ अच्छा सीखते हैं तो वो अच्छी चीज़ें ना वो अपने आप बाहर आनी शुरू हो जाती हैं और लोगों को ज्ञान के फॉर्म में किसी न किसी तरीके से वो गाइड करती रहती हैं, और डेफिनेटली आप भी ऐसा ही करेंगे. तो अंतिम सवाल आज के इस सेगमेंट का, और ये सवाल बहुत जरूरी भी है आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा विद्यार्थी जो घर से बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, वो ऑफलाइन के सेंटर्स पर नहीं है, टीचर के रडार में नहीं है, टीचर के फोकस में नहीं है, टीचर का डर नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो घर पे बैठा हुआ है. इन सारी सिचुएशंस में उसी के साथ साथ कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह हैं, 100 रुपए 200 रुपए में कई सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन भी मिल जाते हैं जहां पर आप अपना पूरा दिन लगा सकते हो. इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बीच किसी स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कैसे रखना चाहिए, कैसे रखा जाए? सर पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक दृढ़ निश्चय तो मन में होना चाहिए कि करना है, वरना तो अगर कोई डिस्ट्रैक्शन ना भी हो तो भी इंसान कोई नॉवल रीड करना, नॉवल रीडिंग इज अ गुड हैबिट, बट एग्जाम के बीच में कोई पूरी एक 500 पेज की किताब बैठ के कि चलो आज हम ये थ्रिलर पढ़ेंगे, तो वो भी गलत है. तो मतलब आपको सबसे पहले तो एक दृढ़ निश्चय मन में होना जरूरी है. उसके बाद जब ये फोन का, जैसे आजकल मैं ये नहीं कहूंगी मैंने भी सोशल मीडिया पूरा ऐसे त्याग दिया था, नहीं, मैं टाइमर्स पे, मेरा पूरा गेम टाइमर पे चलता था. अगर मुझे एक टॉपिक करना है या मुझे इंस्टाग्राम पे 5 मिनट ऐसे स्क्रॉलिंग करना है, सब कुछ टाइमर के हिसाब से होगा. एक टाइमर सेट करो, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, वहीं बीच में वो खत्म हो जाएगा. भले कोई तुम्हारा फेवरेट वीडियो चल रहा है या कुछ तुम देख रहे हो जिसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है या कुछ इमोशनल कुछ ट्रॉमा भी चल रहा हो किसी का, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, टाइमर वहां बजा, वहां तुम्हारा फोन बंद हो जाना चाहिए और तुम्हें वापस नोटबुक्स पे अपनी टेबल पे आ जाना है. मेरा तो पूरा गेम मतलब राइट फ्रॉम, जब जैसे एग्जाम के लास्ट में भी हमें एक लास्ट के एक हफ्ते में इतना सब रिवाइज करना होता है, तो तब भी मैं तो टाइमर पे ही पूरा ऐसे रिलाई करती थी कि इतना मिनट मतलब इतना मिनट, यहीं फिर छोड़ देना है. तो वो एक मन में प्रेशर रहता है कि या तो इतने में कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर रह जाएगा. तो वो इंसान का प्रोडक्टिविटी भी उससे हाई होता है. और आजकल जैसे सोशल मीडिया वगैरह के काफी एप्स हैं, वैसे थोड़े बहुत उस तरीके की एप्स हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं, या फिर फोन में मोड होते हैं जहाँ पे आप
नोटिफिकेशन वगैरह सब साइलेंट कर सकते हो, या तो फिर सीधा फोन से सब अनइंस्टॉल करो लैपटॉप या टैबलेट में, इस तरह सेव पासवर्ड मत करो, मतलब तुम्हें डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आईडी पासवर्ड डाल के फिर खोलोगे, तो वो तुम्हारा वो हसल वही, तुम सोचते हो इतनी क्यों मेहनत करनी है, इससे जगह एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम, चार नंबर का एक क्वेश्चन कर लेंगे इतनी देर में, तो उस हिसाब से थोड़ा अपने दिमाग के साथ गेम्स खेलना, मैंने तो मतलब इसी तरीके से किया था, क्योंकि मैं भी ऑफ मतलब ऐसे ऑफलाइन सेंटर पे नहीं थी, मैं भी ऑनलाइन ही लाइव क्लासेस ही ले रखी थी। इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार हैबिट जब बन जाती है तुम्हारी, तो तुम्हें फिर याद भी नहीं आता कि अच्छा डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, ऐसे टाइप करोगे www.instagram.com, फिर आईडी डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, उतने में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें लगेगा वहां कुछ बेटर किया तुमने, वहां थोड़ा सक्सेसफुल फील होगा, थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। पूरा त्यागो मत, बट ये भी नहीं कि पूरा उसी के अंदर घुसे रहेगा, बस थोड़ा ऐसे दिमाग के साथ गेम्स खेलो, एग्जाम तो फिर निकल जाएगा। तो बाबिका जी का ये जो सेगमेंट है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है, ये सच में ऐसा है कि मैंने अभी तक के जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, ज्यादातर बच्चों का है कि सर हमने 6 महीने संन्यास ले लिया हमने 6 महीने कुछ नहीं देखा, हमने बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखी चीजों से, और ये भी एक तरीका है, बट ये भी एक तरीका है जो भी आप सुन रहे हो ना, कि अगर आप अपनी टाइम को लेकर के पंक्चुअल हो कि नहीं भाई, मेरा समय कीमती है और मेरा समय यूज हो रहा है अगर कहीं पर, तो उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, ना कि जस्ट और जस्ट समय की बर्बादी हो रही है। तो डेफिनेटली ये भी एक तरीका है आपके टाइम को यूज कर पाने का, मैनेज कर पाने का, और अगर आप ये करने में सक्सेस हो जाते हो तो आप हो सकता है पढ़ाई भी बढ़िया से एंजॉय करें और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आप यूज कर पाए, देख पाए। और मैं कहूंगा कि इन सारी चीजों में जहां अच्छी चीजें भी हैं, जहां ऐसी भी चीजें हैं जो आपका समय बर्बाद भी करा सकती हैं, उनमें से अच्छा क्या निकल सकता है वो भी ले सकते हैं, बिकॉज आज का ये जो समय है YouTube और काफी सारे अदर सोशल मीडियाज, ये आपको नुकसान ही नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे भी दे सकते हैं, और इन बहुत सारे फायदों में से आप कितना फायदा ले पा रहे हो ये फिर आपके ऊपर आ जाता है। चीजें बहुत सारी हैं, अच्छी भी चीजें हैं, खराब भी चीजें हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका वैल्यूएबल टाइम कहाँ लगाना है, आपको आपका जो वैल्यूएबल जो आपकी लाइफ के हिस्से है, आपका जो पल है, वो जो फेज है, उसे कैसे यूज करना है। और डेफिनेटली इस सारी चीजों में भाविका जी का ये जो पूरा इंटरव्यू है ये बहुत काम का है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही पूरा खेल मुझे इस पूरे इंटरव्यू में दिख रहा है भाविका जी का, क्योंकि टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया ना, तो टाइम ही है जो कि आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपको चाहिए, और अगर आपने उसकी कदर नहीं की, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, तो आपकी भी कोई खास वैल्यू नहीं होगी। ये है कंक्लूजन इस छोटे से इंटरव्यू का। आशा करते हैं कि इस इंटरव्यू के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जो भविष्य में आपके आने वाले टारगेट्स में, आपके आने वाले जो CSRNET एग्जामिनेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम का होगा। और ये सारी सीख के साथ, ये सारी मैसेज के साथ, इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ इस इंटरव्यू सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाविका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और आपके सारे एक्सपीरियंसेस बच्चों से शेयर करने के लिए, ताकि उनमें से कोई भी एक बच्चा अगर इस वीडियो को देख करके, इस सेशन को देख करके, इस इंटरव्यू को देख करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है और सक्सेस हो जाता है, तो इस इंटरव्यू का मेन पर्पस जो है वो पूरा होता है। और इसी के साथ थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक यू स्पेशली थैंक यू टू भाविका जी, और आपने आपका समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली IFS से भी जुड़ सकते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम फिर से भाविका जी को आपके लिए इन्वाइट करेंगे और बातें करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए है इनसे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इनसे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं और किसी सेगमेंट के अंदर किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी और सक्सेसफुल एस्पायरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय टू एवरीवन।